नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएसटी न्यूज लाइव में। मैं स्वाति। क्या आपने कभी सुना है कि मरने वाला खुद बताए अपने लाश का ठिकाना? मुजरिम जो कहता है, जो कर रहा है, वो सोचता है कि वो काफी हद तक दुरुस्त है, लेकिन उसे क्या पता था कि 10 साल पुराना मामला उसके सामने इस तरह से आ जाएगा उसे सजा दिलाने। आइए जानते हैं हमारे इस रिपोर्ट के द्वारा कि क्या है पूरा मामला। कोई मुर्दा आखिर कैसे बताएगा अपने ही लाश का ठिकाना? एक ऐसा मामला जिस पर मचा बवाल। 10 साल पहले हुआ बच्चे का कत्ल। आखिर कैसे गायब हुआ था बच्चा? काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिला। आरएन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक पर लगा आरोप। स्कूल के ही दाई का बेटा था। हजारों की संख्या में लोगों ने किया चक्का जाम। 2008 में हुई थी हत्या। आक्रोशित लोग प्रबंधक को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। मामला चंदौली जिला के क्षेत्र बैरी का है, जहां गुरुवार को 10 साल पहले के एक मामले को लेकर बवाल मच गया। जहां 10 साल पहले गांव स्थित आरएन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक पर स्कूल के दाई के बेटे का हत्या का आरोप लगाते हुए हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर उपस्थित लोगों की मांगे थी कि आरोपी प्रबंधक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दरअसल मामले ने तब तूल पकड़ा जब स्कूल का छात्र सुनील बुधवार को अचानक ही स्कूल के प्रबंधक पर हत्या का आरोप लगाते हुए यह बताने लगा कि 2008 में उसकी हत्या कर उसके हाथ को स्कूल परिसर में ही दफना कर शरीर के अन्य भागों को इधर उधर फेंक दिया था। यहाँ यह बता दें कि 2008 में स्कूल की दाई गीता देवी का 18 वर्षीय पुत्र सत्येंद्र, जो कि स्कूल में ही कर्मचारी के पद पर कार्यरत था, वह 5 सितंबर 2008 को गायब हो गया था, जो कि काफी खोजबीन के बाद नहीं मिला था। गांव के लोगों का कहना है कि लगभग हर साल इस तरह कोई ना कोई बच्चे की हालत खराब होती है, फिर उसकी मौत हो जाती है। तो इस पर मृतक के परिजन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो वहीं मौके पर उपस्थित चकिया कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक राणा यादव, शाहगंज थानाध्यक्ष अवनीश राय, वैसाई देवेंद्र साहू, चौकी प्रभारी चकिया शिव बाबू यादव लोगों से बातचीत कर समझाने में जुटे रहे। इस पर वहीं आक्रोशित लोग प्रबंधक को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। चंदौली से हमारे संवाददाता सुजीत तिवारी की खास रिपोर्ट। लड़का कैसे मालूम भल के वहाँ हो? स्कूल में कैसे मालूम भल कल? हमके मालूम है, जब हमारे देवर का लड़का हम 11 में नाम लिखवावली है, 11 में लिखवा दे मन पटोरा झारत है जा, ओए में रहे तो पढ़ी तो लिखवा देना, हमरे रह से लिखवा देना, जब सन सुख के दिन बीमार तो आराम से लिख होगा। फिर सोमवार के दिन गया तो हमसे कहा, ए अम्मा हमार तो पार दुखाता, तुम पहले घरे जबा, पर नहीं अम्मा दवाई दिला देबू तो हम पढ़ घरे ले, तो हम गई दवाई दिलौली, जब दवाई दे के जब दवाई ऐसे मुँह में डाल के जब पानी डाले तो तब से ओकर नटई और गर्दन छेक ले ला, छेक ले ला तो ये बोल लू जात चल गए घरे, छुट्टी दिला दे चल गए घरे। गए तो लगल घरे गए तो लगल चिल्लाए लगल चिल्लाए हम स्कूल धर ले रही, हमारे नाम तारी बतवा रही है जा, ज्यादा जीवन बीत जाए यही। 2008 में हमारे लड़का दोपहर के आज पानी पियाओ, अब पानी पियावलस सिलाई पियावलस अली समझा के तो कहते सर जी हमारे लड़का बटोरत तनु कहा गल तिया का जब पन बंधक रहनो कतु की हम नहीं जा लिख के कहा गया। तब तब कहा तो हम चारों तरफा लगली खोज काम करवावा लगना, आई नहीं कहना की हम चार बार के मन कर ले चले। आप पुलिस कहाँ गई थी जब लड़का गायब हुआ? तो पुलिस के पास गई थी?
पुलिस के हम जमालपुर थाना जल लेते खले रही रस्ता कने में खूब संगे रुपया जो ना वो हर पे चक्कर में मत हां वो पता है तो ना हम अपने भाई को बुरा नहीं चाहते रही मेरे घर पता नहीं क्या कहीं ना कि ये मन हो के हम आहट भी दे ले ली पर मर बात नहीं समझला कोई का बात मन ले रहा दूसरे कोई का मन ले रहा तो दम कही ले रहा ना सुबह के बचाव मिले हम मेरे दही भी आजाद कर दी नहीं तो फिर नहीं चाहती शांति देना हर बच्चे नहीं चाहते पूरा हो था एकदम तो के पूरा करा ली तू देखा इधर हमके देखा शांति का जब पर बंद करवा कहा था मेरे नियत का कि वो लाइन से मरी कटी कटी ओका ओका गर्दन कटी पर बंधवा का घोड़ा मत हमन काटो जी गर्दन ओकर हां घोड़ा मत अगर एक ने तेरी भी हम ना कर दी दे उनके बिना के ले रहा था स्कूल को छुट्टी हुई लेके जाए किडनी हो किडनी बेचले हो हमारे कुछ न हो बेचले बिल्कुल पता नहीं का है मतलब के वजह से कहां कटना है स्कूल में कटना एम्बुलेंस में कट ले हथवा कहां कटना गंदगी में 8 घंटे भी मैं कटना लास्ट झाड़ी में फेंकना फिर तो कहां ले करना कोई पहाड़ी ले करना जंगल में कुछ शराब पिया के मर लेन के भाई वो तो शराब पीवा करना हम हो के कुछ ले रहना जबरदस्ती उन्हें डाल लेना अब कुल मिठवा के साथ भी करियो हमरो टंकी में है तू वहाँ कब पहुँचला ए बचवा वहाँ स्कूल में कब पहुँचला दोपहर के गैला तो स्कूल में कब पहुँचला आ बताओ तो स्कूल में गैला तो कब पहुँचला उठे स्कूल पर ना नहीं बतूला कौन तू मुगले वो नाम बता दे तू जगह बता और नाम बता तू बता दे कि टॉयलेट में है वो कहता है ना कि सच छिपता नहीं छिपाने से अब देखने की बात यह है कि इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है जानने के लिए देखते रहिए टीएसटी न्यूज़ लाइव धन्यवाद।